दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम यहां जैम के ऊपर एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि जो जैम के अंदर जो बिडिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है और बिड को कैसे लगाया जाता है, किस सिचुएशन में लगाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैम के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा आप प्ले लिस्ट में भी जा कर के जैम के ऊपर जो भी वीडियो है वो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों जो जैम पे बिडिंग का सिस्टम होता है वो क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए परचेजिंग के दो तीन सिस्टम होते हैं। एक होता है डायरेक्ट परचेज, जो कि हर सरकारी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लिमिट दी जाती है कि इतने बैलेंस तक आप जो है डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट है ये ज़्यादा नहीं होती है, 25-30 हज़ार रुपये होती है, जहाँ पर आप डायरेक्ट परचेज कोई भी आइटम कर सकते हैं। अब 25-30 हज़ार से ज़्यादा का जो आइटम होता है उसको परचेजिंग करने के लिए अलग अलग रूल होते हैं। कहीं पे क्या होता है कि L1 कंपैरिजन बनाया जाता है, L1 कंपैरिजन बना के आप जो है एक लाख दो लाख पाँच लाख तक परचेजिंग कर सकते हैं। अब L1 कैसे बनाया जाता है, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी हम यहाँ बात करेंगे कि एक तो वे हो गया कि कंपैरिजन बनाइए, L1 निकालिए और परचेज करिए। दूसरा होता है कि आप बिडिंग लगाइए, यानी कि टेंडर डालिए और वो उस बिड को आप जो है कुछ दिनों के लिए पोर्टल पर छोड़ दीजिए। उसके अंदर सेलर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, आप बाद में उस बिड को ओपन करेंगे, अपना स्पेसिफिकेशन और जो सेलर की तरफ से स्पेसिफिकेशन आया उसको मैच करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके हिसाब से ठीक है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उन सारे सेलरों का फाइनेंशियल बिड ओपन किया जाता है और फाइनेंशियल बिड में जिसका भी L1 होता है, मतलब कि जो प्राइस सबसे कम होता है, उसको बिड अवॉर्ड किया जाता है, मतलब कि उसको वो टेंडर मिल जाता है और उसको आप ऑर्डर दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो ये प्रोसेस होता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक प्रोडक्ट मैं सर्च मारूँगा और सर्च करने के बाद हम उस पर जो है बिडिंग लगाएंगे। बिडिंग कैसे लगाएंगे वो आप देखिए यहाँ पे कि हम जो है प्रोडक्ट को, जिस भी प्रोडक्ट को आपको बिडिंग लगानी होती है, पहले तो जैम के ऊपर जा करके उस प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को आप जो है सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए। सर्च करने के बाद जब आपको लगे कि ये प्रोडक्ट जो है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मुझे ये परचेज़ करना है, तो उसमें क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को आप बिड लगा सकते हैं। बिड कैसे लगाते हैं वो मैं यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं फ़िल्टर मैं लगा रहा हूँ। ये फ़िल्टर होते हैं गोल्डन पैरामीटर, सिल्वर पैरामीटर। सिल्वर पैरामीटर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर गोल्डन पैरामीटर सिलेक्ट कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे दो पैरामीटर आप देख रहे हैं, गोल्डन पैरामीटर और सिल्वर पैरामीटर। तो सिल्वर पैरामीटर को आप नहीं सिलेक्ट करते ना सही, लेकिन गोल्डन पैरामीटर को मैं प्रेफर करूँगा कि जितने भी गोल्डन पैरामीटर हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो जो गोल्डन पैरामीटर आते हैं आप उनको ज़रूर सिलेक्ट करें, क्योंकि ये फ़िल्टर लगाने पर आपका जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सर्च करने में बहुत ही आसानी रहती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये ख़रीदना है, तो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँगा। इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो है स्पेसिफिकेशन, अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। व्यू मोर में करेंगे तो यहाँ पे भी सारी जो है स्पेसिफिकेशन है इसका। और उसके बाद ये सब देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप इस पर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, सेम आपको यहाँ पर क्लिक करना है बाय पे। बाय बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा। यहाँ पर देखिए अब ये जो ऑप्शन है तीन तरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो मिडल वाला है चूज़ द सिलेक्टेड प्रोडक्ट वैल्यू, तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हमने वहाँ खोल रखा था उसी का सारा स्पेसिफिकेशन आपके बिड में आ जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कि वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ देख रहे हैं उसी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर फिल हो चुका है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं, कुछ टिक हटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद फिर से जो भी सिलेक्टेड होगा उसको ऐसे सिलेक्ट रहने दीजिए और दोबारा से प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंसाइनी नेम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जैम पे जिसके नाम से अकाउंट बना हुआ है उसका नाम यहाँ सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी डालना है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए और ऐड टू कार्ट कर देना है।
तो ये देखिए कार्ट में ये ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करना है, और यहाँ पे देखिए बिड और आरए, जैसे कि मैंने बताया बिड और आरए दोनों पुट करने का लगाने का सिस्टम एक ही होता है, डिफरेंसेस थोड़ा सा है, और आरए के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। दोनों का प्रोसीजर सेम है, तो आपको यहाँ पर बिड लगानी है, इसलिए बिड पर सिलेक्ट करना है। बिड सिलेक्ट करेंगे, आप बाय डिफॉल्ट जो भी रहेगा उस पर रहने दीजिए, कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे नीचे अपलोड की एक बटन दी हुई है, अगर आप चाहें तो कुछ स्पेसिफिकेशन अलग से आप बताना चाहते हैं सेलर को तो वो अपलोड कर सकते हैं, बता सकते हैं आप। इसको सेव कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिड की थोड़ी सी डिटेल भरनी होती है, जिसके अंदर आप बिड जो ड्यूरेशन है वो भर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 डेज होना चाहिए, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिड ओपनिंग और बिड जो है क्लोजिंग डेट मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे बिड लाइफ साइकिल, बिड ऑफर वैलिडिटी, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर चीज़ें आप सिलेक्ट रहने दीजिए, जो चीज़ें मंडेटरी हैं आप उनको सिलेक्ट करिए, और अपने मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप उसको फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो दोस्तों ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देना है आपको। आप यहाँ पे देखिए ईएमडी है, ईएमडी हमेशा याद रखिए जब भी 5 लाख से ऊपर होता है तभी ईएमडी की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं। तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, इसको भी सेव कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है सेटिंग आप देख लीजिए, इसको ऐसे सेव कर दीजिए। उसके यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट में जाइए, ISO 9000 ये ज़रूरी है, मैं इस पर टिक कर दूंगा। स्कोप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे देखिए इस पर इसको ऐड कर दीजिए। सर्विस एंड सपोर्ट में जाइए, यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद सबमिट करने से पहले यहाँ पे देखिए रेड मार्किंग है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग सेलेक्ट कर दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों फाइनली आपकी बिड जो है वो सेव हो गई है, अब आपको इसको ओटीपी से वेरीफाई करना है, और ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद आपकी जो बिड है वो पब्लिश हो जाएगी।